बैंड पर राष्ट्रध्वन बजाई जाए। अपने ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम ओम गणानां त्वं गणपते गोम भवामहे कवीं कवीनां उपमाश्रवास्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पतान साधनम् महागणपतये नमः प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजनेवते दीनामवित्रवतो आनो दिवो बृहता पर्वतादा सरस्वती यजता गन्धयज्ञम् वाग्देव्यै नमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ ॐ सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ तत्सत् श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु। रामकृष्ण मिशन आश्रम के आईटीआई के दो छात्रावास भवन तथा एक प्रशासनिक महोदय जी से सादर निवेदन करती हूँ। राष्ट्रपति महोदय जी, इलेक्ट्रॉनिक बटन दबाकर इन छात्रावासों के शिलान्यास का कार्य करने की कृपा करें। पूज्य स्वामी व्याप्तानंद जी महाराज को सम्मानीय राष्ट्रपति महोदय जी द्वारा 7 स्कूल बस एवं 1 महोदय जी से करबद्ध निवेदन करती हूँ कि वे कृपया स्वामी व्याप्तानंद जी महाराज को बसों की चाबियाँ एवं 1 कार की चाबी भेंट करें। इसी क्रम में नारायणपुर अंचल की 5 स्कूली छात्राओं को साइकिल की चाबियां प्रदान की जाएगी सम्मानीय राष्ट्रपति महोदय जी द्वारा। वे छात्राएं मंच पर आ जाएं, सम्मानीय राष्ट्रपति महोदय जी से अपनी साइकिल की चाबियां प्राप्त करनी है। हमारा परम सौभाग्य है कि आश्रम परिवार के इस पवित्र धराधाम पर सम्मानीय राष्ट्रपति महोदय का आगमन हुआ है। भारतीय गणतंत्र के सर्वोच्च पद पर प्रतिष्ठित सम्मानीय राष्ट्रपति महोदय का आगमन ही इस बात का द्योतक है कि भारत की आश्रम की यह पवित्र धराधाम की खुशबू भारत की फिजाओं को सुवासित करने लगी है। उन्हें पाकर हम स्वयं को अत्यंत गौरवान्वित व हर्षित तो महसूस कर ही रहे हैं, साथ ही साथ नारायणपुर के इतिहास में एक स्वर्णिम पृष्ठ का योग भी पा रहे हैं।
उनका सम्मान करते हुए हम स्वयं को भी सम्मानित महसूस कर रहे हैं। हम अत्यंत कृतज्ञतापूर्वक सम्मानपूर्वक उन्हें उनके विचारों के साथ मंच पर आमंत्रित करते हैं। सम्माननीय राष्ट्रपति महोदय को सादर मंच पर आमंत्रण। छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यपाल शेखर दत्त जी, छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी, केंद्रीय मंत्री चरणदास महंत जी, छत्तीसगढ़ शासन के मंत्रीगण, पूज्य स्वामी जी, माननीय सांसद विधायकगण, नारायणपुर के रहने वाले भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले नारायणपुर रामकृष्ण मिशन के धन्यवाद देता हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया इस समारोह में भाग लेने के लिए। ऐसी एक प्रांत है नारायणपुर, जिस प्रांत में भारत के सबसे प्राचीन एक जनगोष्ठी अबुजमा, अंग्रेजी में जिसको कहता है वल्नरेबल मार्जिनल ट्राइब, ये ट्राइब का भी वासस्थान अबुजमार है। आज से 25 साल पहले कुछ स्वामी जी ने सोचा, जो रामकृष्ण मिशन की भावना है, वो भावना के साथ मिलकर उन्होंने सोचा ये इलाका के विकास के लिए इस इलाका में रहने वाली भाइयों बहनों को आगे बढ़ाने के लिए, खासकर शिक्षा के लिए कोई खास कदम उठाना पड़ेगा। रामकृष्ण मिशन का स्थापना हुआ 25 साल पूरा हो चुका है। रामकृष्ण मिशन का स्थापना के बाद बहुत सारे बच्चों को, छात्रों को, छात्रियों को मौका मिला लिखाई पढ़ाई करने के लिए, आपका करियर बनाने के लिए। हमारे देश बहुत बड़ा देश है, आबादी भी बहुत ज़्यादा है, अभी तो 120 करोड़ हो चुका है, आगे भी और बढ़ेंगे। इस देश में हमारे दो एडवांटेज है, दो सुविधा है, असुविधा भी है। हमारे देश में नौजवान की संख्या ज़्यादा है। मैं जब आपसे आपका सामने में मेरा बात रख रहा हूँ, तब हमारे मुल्क में 57 करोड़ भारतीय नौजवान है जिसका उम्र 25 से कम है। ये नौजवान को हम प्रशिक्षित करेंगे, उनकी जो दक्षता है, जो योग्यता है, वो योग्यता को पूरा विकास करने के लिए मदद करेंगे, तो एक बहुत ही पावरफुल इंस्ट्रूमेंट हमारे पास मिलेगा, जो देश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। स्वामी जी ने कहा,
स्वामी विवेकानंद की जन्म के 150 वर्ष पूरा हो रहा है। मुझे मौका मिला, मैं जब मंत्रिमंडल में शामिल था, स्वामी विवेकानंद के 150वें 150th ईयर एनिवर्सरी को जोर से आगे बढ़ाने के लिए प्राइम मिनिस्टर का नेतृत्व में एक कमिटी बना, प्राइम मिनिस्टर एक सब कमिटी बनाया मेरा नेतृत्व में।